खबर बदायूं से है। जाथाना मूसा झाग क्षेत्र के कौर मझारा गांव के रहने वाले अमित शटरिंग का काम करता था। वह सदर कोतवाली क्षेत्र के शिवपुरम गली नंबर 4 में अपनी 40 वर्षीय पत्नी श्वेता और वो शिखा के साथ अपने बच्चे के साथ अधिवक्ता शिशुपाल सिंह चौहान के मकान में किराए पर रहता था। पति पत्नी में अक्सर झगड़ा होता रहता था। जब पति पत्नी में झगड़ा हुआ तो पति अमित ने अपनी पत्नी श्वेता और शिखा के चाकू मारकर हत्या कर दी और सुबह घर से फरार हो गया। बच्चे ने मकान मालिक को इसके बारे में बताया तो मकान मालिक ने पुलिस की सूचना दी। जब पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया जो वहां पर फॉरेंसिक नमूने ले रही थी। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हमारे घर में जो रेंट पर रहते थे उनमें पति पत्नी में अक्सर लड़ाई रहती थी। अभी आना जाना शुरू हुए, एक महीने से ही आए हुए थे, लेकिन उन्होंने हमने रेंट के लिए खाली करने के लिए भी कह दिया था कि भाई हम इतना वो नहीं बर्दाश्त करेंगे। कुछ एक आध लोग भी बाहर से आते थे, आना जाना हमें पसंद नहीं था, इसलिए हमने कह दिया खाली कर दो। आपस में उनकी टशन रहती थी और उनमें जो लड़ाई होती थी उसी लड़ाई की वजह से बच्चा कह रहा था कि उसने पापा ने। खबर जालौन से है जहां आढ़तियों के मनमर्जी के खिलाफ किसानों ने हल्ला बोल किया है। जहां गल्ले मंडी में अपने धान बेचने आए किसानों ने हल्ला बोल किया और जाम लगाया है। उन्होंने उसी के साथ में जमकर नारेबाजी भी की। जहां किसानों का आरोप है कि धान की तय बोली लगने के बाद आढ़तियां उनका उचित मूल्य नहीं दे रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारी ने किसानों को समझा बुझा कर जाम खुलवाया। जहां जालौन जिले के जालौन नगर क्षेत्र में स्थित नवीन गल्ला मंडी का ये मामला बताया जा रहा है। मामला ये है कि ये जालौन मंडी, यहाँ पर बोली 3385 रुपए लगी है और यहाँ के व्यापारी अब 3100-2900 मनमाने रेट मनचा रहे हैं यहाँ, और किसानों का आक्रोश यहाँ रोड पर आ गया, इसलिए हम लोगों ने जाम लगाया। जब तक बोली रेट नहीं बिकेगा मंडी